नमस्कार, आपके साथ मैं हूं हिमांशु धारीवाल और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों की फटाफट अंदाज में। गुजरात के सूरत में जल संचय, जन भागीदारी, जन आंदोलन कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने की शिरकत। कार्यक्रम में सीएम मोहन ने बताई जल की महत्ता, कहा मोदी सरकार कर रही है गरीबों का उत्थान। उज्जैन में दशहरा मिलन उत्सव में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव, समारोह में 658 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात। भूमि पूजन कार्यक्रम का कन्या पूजन से किया शुभारंभ। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गाय को दुलार करते वीडियो सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। एक्स पर लिखा, सभी का भरण पोषण करने वाली गौ माता की प्रदेशवासियों पर हमेशा बरसती रहे कृपा। मध्य प्रदेश सरकार ने दिवाली की कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात। 10 लाख सरकारी कर्मचारियों को धनतेरस से पहले मिलेगी सैलरी। विभाग ने तैयार किया सैलरी देने का प्रस्ताव। हरियाणा में विधायक दल के नेता चुने जाने के लिए मीटिंग होनी है 16 अक्टूबर को। उसके लिए अमित शाह और सीएम डॉक्टर मोहन यादव बनाए गए ऑब्जर्वर। 17 अक्टूबर को होना है शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम। दमोह में दशहरे के दौरान बरेदी नृत्य पर थिरकते नजर आए संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी। मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने दशहरा पर्व पर लोगों से की मुलाकात। मंत्री का वीडियो हो रहा है वायरल। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपियों के तार उज्जैन से जुड़े। हाल ही में उज्जैन आया था घटना से जुड़ा एक संदिग्ध आरोपी की तलाश में जुटी है मुंबई पुलिस। हरफनमौला कलाकार किशोर कुमार की 37वीं पुण्यतिथि के मौके पर खंडवा में राजकुमार हिरानी ने किशोर दा की समाधि स्थल पर टेका माथा, दूध जलेबी से लगाया भोग। भोपाल में दशहरे के वक्त युवक को सीपीआर देकर जान बचाने वाले एसीपी अजय तिवारी का बयान, कहा ट्रेनिंग का पार्ट होता है फर्स्ट एड और सीपीआर। दशहरे के वक्त युवक को आया था हार्ट अटैक। सतना जिला अस्पताल में अब तक शुरू नहीं हो पाई है डिजिटल एक्सरे मशीन। विस्तार न्यूज की पड़ताल में सीएमओ ने ट्रांसफॉर्मर नहीं लग पाने की कही बात। 6 महीने पहले राज्य मंत्री ने दी थी डिजिटल एक्सरे मशीन लगाने की सौगात। रीवा के पचपहरा गांव में तेंदुआ दिखने से ग्रामीणों में फैली दहशत। तेंदुए ने 12 खरगोश का किया शिकार। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। खंडवा में युवती से छेड़छाड़, जान से मारने की भी धमकी और आत्महत्या की कोशिश। मामले में बड़ा खुलासा, पीड़ित युवती ने नहीं की थी आत्महत्या की कोशिश, आरोपी के बेटे ने पीड़ित युवती को पेट्रोल डालकर की थी जलाने की कोशिश। सीहोर में टोल कंपनी के खिलाफ दिहाड़ी गाड़ी मालिकों का प्रदर्शन। आंदोलनकारियों ने ओसिस इंफ्रा लिमिटेड पर लगाया अवैध टोल वसूली का आरोप। बोले, टूटे हुए रोड का टोल वसूल रही है कंपनी। बैतूल में नाले में बहने से 2.5 साल के बच्चे की मौत। प्रशासन ने रेस्क्यू कर बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। दतिया के पचेरा गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान 3 युवक सिंध नदी में डूबे। नदी में डूबने से 1 युवक की हुई मौत। 2 लोगों को स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया। जबलपुर में संदिग्ध हालात में महिला की लाश मिलने से फैली सनसनी। परिजनों ने महिला की हत्या की जताई आशंका। मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। ग्वालियर में बेकाबू हुए डेंगू ने एक परिवार के इकलौते चिराग की ले ली जान। डेंगू की पुष्टि होने के बाद अस्पताल में चल रहा था इलाज। डेंगू से अब तक 6 लोगों की हो चुकी है मौत। भोपाल में युवक ने नाबालिग से की छेड़छाड़। हिंदू संगठनों ने आरोपी पर कार्रवाई की मांग को लेकर किया हंगामा। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया। भोपाल में एटीएम में सेंधमारी करने वाले ठग का पुलिस ने किया खुलासा। ठगी के बाद आरोपी ने टाइटन शोरूम में की थी लाखों की चोरी और मॉल से कई हजारों की चोरी कर फरार हुआ था आरोपी। विदिशा के कररिया गांव में झांकी निकालने को लेकर आपस में भिड़े दो पक्ष। दोनों पक्षों ने लगाए एक दूसरे पर मारपीट के आरोप। कररिया गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। दतिया में राशन कंट्रोल संचालक ने की मंगोया समुदाय के साथ पिटाई। दुकान संचालक के हमले में 1 महिला और 2 पुरुष हुए घायल। मोगिया समुदाय के लोगों ने कंट्रोल संचालक पर राशन गबन का लगाया आरोप। सागर के भगोदय तीर्थ में आहार चर्चा के दौरान ब्रह्मचर्य दीदी के साथ मारपीट। जैन समाज के 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद। दोनों पक्षों ने पुलिस से की शिकायत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। भोपाल के निषादपुरा में शॉर्ट सर्किट के चलते कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गोदाम के ऊपर बने घर में फंसे 7 लोगों को बचाया गया।
भोपाल के रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चाय की दुकान में लगी आग, लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। राजगढ़ में महिला ने खुद पर तेंदुए के हमले का किया दावा, महिला के मुंह पर पंजे के निशान को वन विभाग ने तेंदुए के हमले से मानने से किया इनकार, महिला के दावे के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल। भोपाल में अतिक्रमण हमले ने की सब्जी मंडी में कार्रवाई, दुकानों के बाहर लगे शेड को तोड़कर किया गया जब्त, पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हमले ने की कार्रवाई। नीमच में भारी बारिश से किसानों की फसलें हुई बर्बाद, मक्के और मूंगफली की फसलें पानी में बहकर सड़कों पर आई, किसानों ने सीएम से की मुआवजे की मांग। रायपुर के भंडारपुरी धाम में संत समागम कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय, कार्यक्रम में सीएम ने कई बड़े ऐलान किए, स्टेडियम के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। रायपुर में संत समागम कार्यक्रम के दौरान सीएम साय ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर किया पलटवार, कहा फ्यूज बल्ब की तरह है कांग्रेस पार्टी, एक छतराज करने वाली कांग्रेस, गलत नीतियों से चलती है। छत्तीसगढ़ महादेव सट्टा ऐप घोटाला मामले में बोले सीएम विष्णुदेव साय, कहा जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है प्रदेश की सरकार, पिछली सरकार में हुए घोटालों की भी होगी जांच। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव ऐप घोटाले में सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी पर बोले पीसीसी चीफ दीपक बैज, कहा 9 महीने की बीजेपी सरकार नकारा है, चुनाव आते ही बीजेपी को याद आया है महादेव का नाम। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के चिकित्सा प्रकोष्ठ अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने नीट स्नातक में प्रवेश को लेकर सीएम, स्वास्थ्य मंत्री और मुख्य सचिव को लिखा पत्र, चिट्ठी लिखकर नीट स्नातक प्रवेश को बताया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, कहा सुप्रीम कोर्ट के 24 सितंबर को निर्णय को 27 सितंबर तक लागू ना करना भ्रष्टाचार के संकेत। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की रीता शांडल्य संभालेंगी कमान, रीता शांडल्य को बनाया गया छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। अंबिकापुर के महामाया एयरपोर्ट का 21 अक्टूबर को पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे उद्घाटन, 48 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ एयरपोर्ट, 72 सीटर हवाई जहाज के हिसाब से तैयार किया गया रनवे। सूरजपुर में 14 अक्टूबर को जिला स्तरीय आदिवासी कर्मा महोत्सव का आयोजन, कर्मा महोत्सव में सीएम विष्णुदेव साय होंगे शामिल, सीएम के कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा प्रशासन। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने गवाड़ी थुलथुली मुठभेड़ का जारी किया प्रेस नोट, प्रेस नोट के जरिए की 31 के बजाय 35 नक्सलियों के मारे जाने की बात की पुष्टि, पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी ने 4 और नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी दी। अंबिकापुर में कलियुगी बेटे ने कर दी मां की हत्या, मां ने बेटे को काम करने के लिए कहा तो नाराज होकर हसीये से किया वार, फिर पत्थर से कुचल दिया सिर। बालोदा बाजार के लांजा गांव में पैसे के लेन देन में युवक ने लोहे के पाइप से किया बुजुर्ग पर हमला, जानलेवा हमले में बुजुर्ग की हुई मौत, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कोरबा में सौतेले पिता ने नशे की हालत में की 4 साल के बेटे की हत्या, पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार, बेटे को दादा के घर छोड़ने के लिए आरोपी को पत्नी से आए दिन होता रहता था झगड़ा। अंबिकापुर में नदी में नहाते वक्त डूबा मेडिकल कॉलेज का छात्र, नदी में नहाने गए थे 4 छात्र, एसडीआरएफ की टीम ने सभी छात्रों को किया रेस्क्यू। जांजगीर चांपा में ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को मारी टक्कर, हादसे में महिला की हुई मौत, ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया चक्का जाम। कवर्धा के बोंदा गांव में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन कर वापस लौट रहे ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खाई में पलटा, हादसे में ट्रैक्टर के नीचे दबने से ट्रैक्टर चालक की हुई मौत। सूरजपुर में ट्रक ने कार को मारी टक्कर, ट्रक और कार की टक्कर में 2 लोगों की मौत हुई, 4 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रायपुर पुलिस ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 3 करोड़ की ठगी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, पुलिस को आरोपी के बैंक खाते से मिला 3 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन, पुलिस ने 4 लाख रुपए का कराया होल्ड। जशपुर में दुर्गा विसर्जन के दौरान चैन स्नेचिंग करते हुए एक नाबालिग सहित 11 महिलाएं पकड़ाई, महिलाओं के कब्जे से सोने की 8 मंगलसूत्र बरामद, सभी महिलाओं से पूछताछ जारी। महासमुंद के सरायपाली में एसडीएम ने झोलाछाप डॉक्टर का क्लिनिक किया सील, शिकायत करने के बाद हुई है छापेमार कार्रवाई, मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन के वैध डॉक्यूमेंट ना होने पर हुई कार्रवाई। राजनांदगांव की 2 बेटियों ने कर दिखाया कमाल, अपने जज्बे से विपरीत परिस्थितियों को दी मात, बीएसएफ की ट्रेनिंग पूरा कर गांव वापस लौटी, गांव वालों ने जोरदार स्वागत किया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अल्जीरिया दौरा, आज दिल्ली से अल्जीरिया के लिए हुई रवाना। राष्ट्रपति की 3 अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मोरिटेनिया और मालावी देशों की पहली यात्रा होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष पर किया पलटवार, बोले हार की हताशा और निराशा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मानसिक रूप से और वैचारिक रूप से दिवालियापन में चले गए हैं। बाबा सिद्दीकी का पार्थिव शरीर को बांद्रा स्थित उनके आवास से कब्रिस्तान ले जाया गया, कुछ देर में राजकीय सम्मान के साथ मुंबई के बड़े कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी की कोर्ट में हुई पेशी, आरोपी गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप को हिरासत में भेजा गया, कोर्ट ने आरोपी गुरमेल सिंह को 21 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड में भेजा। अभिनेता सलमान खान बाबा सिद्दीकी के घर पहुंचे, बाबा सिद्दीकी के परिवार वालों से मिले अभिनेता सलमान खान, कल देर शाम मुंबई के बांद्रा इलाके में गोली मारकर की गई थी बाबा सिद्दीकी की हत्या। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोले, जब उन्हें धमकियां मिली तो वाई कैटेगरी सुरक्षा दी गई, लेकिन सिर्फ सुरक्षा देना काफी नहीं है, धमकियां कहां से आई इसकी जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर सरकार को घेरा, महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, बोले सत्ता पक्ष के नेता ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की सुरक्षा कैसे होगी। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, मुंबई पुलिस के आला अधिकारी कर रहे हैं मॉनिटरिंग, विजिटर्स पर भी रोक। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान जम्मू कश्मीर पहुंचे, डोडा में एक जनसभा को किया संबोधित, डोडा से आप उम्मीदवार मेहराज मलिक ने विधानसभा में जीत दर्ज की थी। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जोरदार बारिश, भोपाल उज्जैन समेत कई शहरों में हुई बारिश, मौसम हुआ खुशनुमा। पन्ना टाइगर रिजर्व से मनमोहक तस्वीरें आई सामने, बाघिन और उसके 4 शावक हुए तस्वीरों में कैद, मां के साथ खेलते दिखाई दिए 4 शावक। जबलपुर में 3 घंटे लेट से आने पर युवक ने कराई शिकायत, 2 साल बाद मिला यात्री को उपभोक्ता फोरम से न्याय, यात्री के पक्ष में फैसला सुनाते हुए रेलवे पर लगाया जुर्माना। देवास में किलोस्कर कंपनी के कर्मचारी की हत्या, घर पर अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला कर हत्या की, फरार हुआ आरोपी। मध्य प्रदेश की बड़ी डेयरी प्रोडक्ट कंपनी में मिला पशु चर्बी, जयश्री गायत्री फूड को लेकर FSSAI की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, बालाजी मंदिर में भी होता था घी सप्लाई। खंडवा में युवती के साथ छेड़छाड़ के मामले में बड़ा खुलासा, युवती के बयान पर पुलिस ने की शिकायत दर्ज, आरोपी पर छेड़छाड़ के साथ हत्या का भी लगाया आरोप। कुरुक्षेत्र से खजुराहो जा रही ट्रेन में लगी आग, D5 कोच में धुआं, यात्री घबराए, लोगों की चेन पुलिंग पर रुकी ट्रेन, ईशानगर स्टेशन के स्टाफ की सूझबूझ से टला हादसा। मंदसौर जिले के नालछा और हिलदादगंज माता मंदिर पर चुलका हुआ आयोजन, मन्नतों को पूरा करने जलते अंगारों पर निकले माता के भक्त। कटनी के झर्रा टिकोरिया इलाके के रेलवे ट्रैक के बीच माता रानी का मंदिर, लोग रेलवे ट्रैक क्रॉस करके पहुंचते हैं मंदिर। बालाघाट में सर्चिंग के लिए निकले CRPF जवान का पलटा वाहन, एक जवान की मौत, अन्य 4 गंभीर रूप से घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। डिंडोरी में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर, भ्रष्टाचार की खबर दिखाने के बाद उपयंत्री को ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जिला कार्यालय में किया गया संलग्न, निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का लगा था आरोप। शहडोल में आदिवासी नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले ट्रक ड्राइवर आरोपी को किया गया गिरफ्तार, आरोपी का ट्रक भी किया गया जब्त, शादी का झांसा देकर ड्राइवर ने किया था नाबालिग से दुष्कर्म। कटनी में रहवासियों ने शराब दुकान में की तोड़फोड़, हिरवारा में शराब दुकानदार ने की थी युवक से मारपीट, मारपीट के बाद गुस्साए लोगों ने शराब दुकान में तोड़फोड़ की, स्थानीय लोगों ने चक्का जाम भी किया। अलीराजपुर में पुलिसकर्मियों पर ग्रामीणों ने लगाया आरोप, नशे में धुत पुलिसकर्मी महिलाओं के साथ करते हैं बदसलूकी, मामले में SP ने चौकी प्रभारी सहित 2 आरक्षकों को किया लाइन अटैच। चित्रकूट में मूर्ति विसर्जन के लिए जा रही पिकअप पलटी, 25 लोगों से भरी थी पिकअप, 5 लोग हुए गंभीर रूप से घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायगढ़ में जेब में रखे मोबाइल में हुआ ब्लास्ट, नाबालिग हुआ बेहोश, आनन फानन में नाबालिग को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रायपुर में नगरीय निकाय चुनाव मामले पर बोले बीजेपी नेता केदार गुप्ता, का विधायक अपने क्षेत्रों में सक्रिय होंगे और जनता की सेवा के लिए आगे बढ़कर अपना काम करेंगे।
जांजगीर में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर हुई बाइक सवार की पत्नी की मौत, आक्रोशित लोगों ने मुख्य मार्ग पर किया प्रदर्शन। दुर्ग में फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर बनकर हुई अवैध वसूली, पुलिस ने 5 शातिर आरोपियों को किया गिरफ्तार, सभी को न्यायिक रिमांड पर भी भेजा गया। जशपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 लोगों की मौके पर मौत, राव के नशे में धुत था नाबालिग ड्राइवर। जशपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटा, ट्रैक्टर समेत 3 लोगों की घटनास्थल पर हुई मौत, आधा दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल, 2 लोगों की हालत नाजुक। एमसीबी में चिरमिरी, ओपन कास्ट माइंस में खनिज विभाग ने मारा छापा, राजस्व विभाग की टीम ने खंगाले दस्तावेज, अनियमितता मिलने पर हुई सीलबंद कार्रवाई। मुंगेली में ड्यूटी से लौट रहे पुलिस जवान की एक्सीडेंट से मौत, अनियंत्रित पिकअप वाहन ने जवान को मारी टक्कर, कांस्टेबल पद पर फिल्फी थाना में था पदस्थ, घटना की सीसीटीवी फुटेज आई सामने। अंबिकापुर के नेशनल हाईवे 130 में हुआ सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार युवक को रौंदा, युवक की मौके पर मौत, हादसे के बाद ट्रक चालक हुआ फरार। बालोदा बाजार में पैसे की लेनदेन के चलते बुजुर्ग की लोहे के पाइप से की गई हत्या, घर में घुसकर बुजुर्ग को मौत के घाट उतारा, सिग्मा थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। मुरैना में नई थमरी फायरिंग की घटना है, दहशत फैलाने के लिए 3 बदमाशों ने की हवाई फायरिंग, जिम पर फायरिंग कर भागे बदमाश, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। आगर मालवा में बिगड़ा मौसम का मिजाज, अचानक बेमौसम हुई तेज बारिश से सड़कों पर लबालब भरा पानी। बालोदा बाजार में चीतल का शिकार करने वाले 2 आरोपी हुए गिरफ्तार, बोरी में भरकर ले जा रहे थे चीतल का मांस, वन विभाग ने गश्त के दौरान की कार्रवाई। अंबिकापुर में स्टंट करते हुए युवकों का वीडियो हुआ वायरल, युवक राजनीतिक पहुंच रखने वाले परिवारों से रखते हैं ताल्लुक, पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया। छतरपुर में पुलिस के हत्थे चढ़े जुआरी, पुलिस ने 6 से ज्यादा जुआरियों को किया गिरफ्तार, लाखों का सामान भी किया बरामद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, विस्तार न्यूज पर खबरें लगातार जारी, नमस्कार।